जमीन या खेत का इंतकाब कैसे निकालते हैं? दोस्तों, अगर आपके पास खसरा संख्या, खाता संख्या कुछ भी नहीं है और आप अपनी जमीन या खेत का या किसी दूसरे की जमीन या खेत का खाता संख्या या खसरा संख्या देखना चाहते हैं या पूरा विवरण उसका देखना चाहते हैं कि उसके पास कितनी जमीन है, क्या है, कितना है, तो सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे डीटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करना है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, आपके लिए अपना गूगल खोलना है और गूगल के सर्च बार में टाइप करना है भूलेख, बी एच यू एल ई के एच, उसके बाद सिंपल आपको सर्च कर देना है, ठीक है। अब देखिए, सर्च करने के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन या वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। उसमें से आपको सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उपरोक्त खाता संख्या की नकल खतौनी की वर्तमान मतलब भूलेख, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए, इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जनपद चुनना है, अपना ज़िला, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना ज़िला सिलेक्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जितने भी ज़िले हैं यूपी के अंदर, ये यूपी का भूलेख है। और अगर आप किसी दूसरी मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चलिए मैं अपना ज़िला सिलेक्ट करने वाला हूँ, संभल, ठीक है। संभल में आप देख सकती हैं, यहाँ पर तीन तहसील हैं संभल के अंदर, गुन्नौर, चंदौसी, संभल। तो मेरी जो तहसील है वो है गुन्नौर, तो मैं यहाँ पे सिंपल गुन्नौर पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं गुन्नौर के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं गुन्नौर तहसील के अंदर, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना गाँव सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गाँव है काशीपुर, तो मैं यहाँ पर काशीपुर सेलेक्ट कर दूँगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर आपको खसरा संख्या डालनी है, आपसे बोला जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास खसरा संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर खाता संख्या है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर खाता संख्या भी नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको सिंपल यहाँ पर आना है, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर खातेदार का नाम लिखना होगा, जो ज़मीन का मालिक है ना, उसका पहला नाम यहाँ पर डाल दो। जैसे किसी का नाम है रामेश्वर, तो सिंपल आपको यहाँ पर डालना होगा रा, रा पे क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रा पे क्लिक कर दिया, और देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है खोजें, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर देना, ठीक है। रा से जितने भी नाम होंगे वो सारे इस गाँव के अंदर जितने भी रा से नाम है वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि राजपाल भूरे, रास्ता, और देखिए रामबती, राम बाबू सिंह। तो सिंपली मैं यहाँ से किसी पर भी एक क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे राम बाबू सिंह, इस पर मेरे को, तो सिंपली मैं यहाँ पर ये जो हल्का सा गोल सर्कल दिख रहा है इसमें आपको सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उदाहरण देखें, तो यहाँ पर सिंपल दोबारा से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो खाता संख्या है उसकी जो नकल है वो सारी यहाँ पर प्रक्रिया आपके सामने आ चुकी है। देख सकते हैं आप, ग्राम का नाम है काशीपुर, परगना असदपुर, तहसील कुन्नौर, जनपद संभल, फसली वर्ष 1422 1427, भाग एक, खाता संख्या ये है आपकी, और खसरा संख्या भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और क्षेत्रफल कितना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इस मतलब इस खाता संख्या के अंदर नाम है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कितना सिंपल है और आसान है अपनी ज़मीन का और दूसरे की ज़मीन का खाता संख्या देखना, जिससे कोई भी इंसान अब बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे पास कितनी ज़मीन है और क्या कितना मतलब कितनी प्रॉपर्टी है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक मार दो। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।